किसी भाई ने इंडिया से सवाल किया है, ये पूछ रहे हैं कि जब मैं मस्जिद में गया तो मुझे जमात के साथ नमाज़ पढ़नी पड़ी, लेकिन जमात के बाद मैंने सुन्नतें पढ़ी, क्या मेरी सुन्नतें कबूल हो गई हैं? अब मेरे भाई, जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर उस वक़्त आप पहुँचते हैं जिस वक्त जमात खड़ी हो चुकी है और आप जमात ने नमाज़ पढ़ना आपने शुरू कर दिया है, लेकिन जमात के बाद अगर आपने सुन्नत पढ़ी है तो वो बिल्कुल कबूल हो गई है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि मैं जमात के बाद पढ़ लूँगा, लेकिन आप उस वक़्त पहुँचे जब जमात खड़ी हो चुकी थी। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप पहले मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले के सही हदीस में है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हों सबसे पहले बैठने से पहले आप दो सुन्नतें, आप दो रकात अदा करें और फिर बैठें। अगर आप लेट हो गए हैं जहाँ पे 3-4 मिनट का भी आपको गैप अगर मिल जाता है तो बेहतर सही तरीका ये है कि आप फर्ज से पहले 4 सुन्नतें अदा करें, फिर आप जमात में खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप मस्जिद में तब पहुँचते हैं जब जमात खड़ी हो चुकी है, लेकिन हाँ, अगर आप जमात के बाद 4 सुन्नतें अदा करते हैं तो वो बिल्कुल कबूल हो गई है।